हेलो कॉमर्स के बच्चों, ओके एक और क्वेश्चन जहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग को लेके हम बात करें। प्रॉफिट शेयरिंग नॉर्मली क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो इट इज़ इक्वल। इक्वल का मतलब है 1:1, 50-50, क्योंकि 50 है 50 है। जब मैं डिवाइड करूँगा 51 जा तो आंसर क्या आया 1:1। यानी एग्जाम में 1:1 दिया है तो भी समझ जाओ 50-50 है, 50 दिया है तो भी समझ जाओ 1:1 है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन साइलेंट है तो भी समझ जाओ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बट ऑन द सेम टाइम अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ऐसा पूछ लेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग एंड लॉसेस पार्टनर्स का कैसा होता है, तो जनरली इट इज़ एग्रीमेंट के हिसाब से, व्हाट इज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट या डीड भी जिसको हम बोलते हैं, डीड का मतलब है एग्रीमेंट, ठीक है। तो एग्रीमेंट में जो बोला हुआ है, तो अगर एग्रीमेंट में बोला हुआ है कि 70%, 30% या बोला है 60-40 या बोला है 90-10, तो जो बोला है उसके हिसाब से। या तो फिर क्वेश्चन अगर साइलेंट है यानी एग्रीमेंट में कुछ नहीं है या एग्रीमेंट ही नहीं है तो समझ जाओ इट इज़ 50-50। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ज़रूरी है, बच्चों के एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं। ओके चलो बाय, टेक केयर।